अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ सब खैर खड़िए से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब अब्बास, रोमानिया से। मैं गुज़िश्ता कुछ अर्से से रोमानिया में मुकीम हूँ और रोमानिया के रिलेटेड जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों तक पहुँचाऊँ। और अभी मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ वो बुखारेस्ट का मेन चौक है, प्याता उनीरी, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और अभी मैं इंशाल्लाह कैमरा रिवर्स करके आपको यहाँ का सीन भी दिखाता हूँ। थोड़ी बहुत जो अभी तैयारी हुई है यहाँ पे क्रिसमस की, तो जो मैं दिखा सका वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आजकल जो लाइसेंस का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा लाइसेंस यहाँ पे चेंज होगा, कौन सा नहीं होगा, जहाँ तक मेरा तजर्बा है, ठीक है। अगर कोई सीनियर भाई हो तो वो वीडियो में लाजमी कमेंट करे। और एक और बहुत ही अहम टॉपिक है फूड डिलीवरी के काम के हवाले से ही, ठीक है ना। और बहुत से आपके दोस्तों के क्वेश्चन थे फूड डिलीवरी की जॉब के हवाले से, तो सोचा वो भी मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लाइसेंस के हवाले से। दोस्तों कोयटा की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत से दोस्त इस तरह के हैं कि जो लाइसेंस वहाँ से पैसे देकर बनवा लेते हैं। वो कहते हैं, उनका माइंड ये होता है कि भाई वो शायद वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताना ये था कि बात इस तरह है कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया रोमानिया के अंदर, 1.5 नहीं अभी तो बल्कि ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने इस तरह के लाइसेंस बनवाए हैं, ठीक है, और जिनमें से मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने वो लाइसेंस जमा भी करवाया था, ठीक है। शायद आपको पता होगा, मैं बड़ा दोबारा बार बार नेम नहीं लेना चाहता। तो वहाँ से आपके मीन के पैसे दे के अगर आप गुजरांवाला के हैं और आपका लाइसेंस बलूचिस्तान का बन रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, वो आपका लाइसेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बंदे ने इसी तरह लाइसेंस बनवाया था, ठीक है, तो उसका वो लाइसेंस प्यारे भाई चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर अभी आप पाकिस्तान में हैं, अभी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए हैं, तो सरकार आपसे गुजारिश है, आप भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि आप कोशिश करें, आप पहली ट्राई में नाकाम होंगे, दूसरी में होंगे, तीसरी में आप कम से कम पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये जो इनलीगल काम है, हाँ वो आपका लीगल है, आपको साथ NOC मिल रहा है, आपको साथ सारे मामलात हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उस तरह का काम तो चले मेरे जैसे बंदे के लिए बनता है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं चलो वहाँ से बनवा के मंगवा लेता हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा सीन नहीं करूँगा। मेरा जो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, जैसे आप दोस्तों को बताया, तो उसमें से भी दोस्तों मेरा समझ लें कि 50 से ज़्यादा मेरा यही माइंड है कि 50% से ज़्यादा आने का मकसद यही है कि मैंने लाइसेंस पाकिस्तान से बनवाना है, ठीक है ना। खुद जो जाके मैंने बनवा लेना उसके साथ की बात ही नहीं है। तो वो बंदे जिसने जमा करवाया था उसको लाइसेंस चेंज होके नहीं वो मिला, 4 महीने वो इंतज़ार करता रहा, ठीक है। तो भाई बेहतर ये है कि आप अभी पाकिस्तान में है, कुछ किसी लड़के ने वर्क परमिट जमा करवाया हुआ है, ठीक है ना, किसी ने अभी करवाने का सोच रहा है और वो मुझसे मैसेज करके, बहुत से लोगों ने मुझे, 2 से 3 लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि भाई ये सीन है क्या, हम इस तरह हम अपना वो करवा लें, अपना लाइसेंस चेंज मीन के वहाँ से बनवा लें, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो भाई मेरा आपको यही कहना होगा, यही मशवरा होगा कि भाई आप ये गलती ना करें। और बाकी दोस्तों जो इसके अलावा एक टॉपिक है जो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार क्या रोमानिया जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बगैर भी हमारा वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, मीन के वर्क परमिट फूड डिलीवरी की जॉब का। तो दोस्तों बात इस तरह है कि फूड डिलीवरी जॉब का वर्क परमिट निकल आता है, ठीक है, उसके लिए को आपका वो खास ज़रूरी नहीं है, मीन के आपका लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ अगर तो आपसे एजेंसी रिक्वायर कर रही है तो आप उसे बना कर दें, ठीक है, लेकिन यह है कि आपका वीज़ा निकल सकता है, उसके लिए ये नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। हाँ अगर हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और इसके अलावा बात यह है कि अगर ना भी हो तो फिर आप यहाँ पे आके साइकिल पे डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, इंजन वाली साइकिल भी होती है, आप उसके ऊपर भी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला आता है, ये मैंने पिछली फूड डिलीवरी की वीडियो मैंने दोस्तों पार्ट टाइम के हवाले से भी बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उसमें हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी जो दोस्त पाकिस्तान से आ रहे हैं फूड डिलीवरी की जॉब के ऊपर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने बताया कि जो दोस्त पाकिस्तान से डायरेक्ट आते हैं उनके साथ क्या सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये दो बातें क्लियर हुई। तो इसके बाद जो दोस्तों तीसरा टॉपिक है वो ये है कि फूड डिलीवरी की जॉब हलाल है या हराम है, ठीक है। दोस्तों अब मैं तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा नहीं दे सकता, ठीक है, तो लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बहुत से मुफ्तियाने कराम ये भी कहते हैं कि भाई हलाल नहीं है,
ठीक है। कुछ ये कहते हैं कि भाई आप अपना कुछ परसेंटेज उस कमाई में से आप हिसाब लगाएं, आप जितने पैसे कमा रहे हैं ठीक है उसमें आप देख लें, अपना मेन्यू चेक कर लें पूरे महीने में आपने हराम चीज़ें कितनी उठाई और हलाल कितनी उठाई, उस हिसाब से आप अपने अमाउंट में से कुछ अमाउंट सदका कर दें तो वो आपकी दूसरी कमाई हलाल हो जाएगी। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि हम इतने पैसे लगा के भी आ रहे हैं पाकिस्तान से ठीक है, और अगर हमारा काम भी हलाल ना हो पूरे तरीके का तो फिर वो मेरी समझ में नहीं आता। मैं किसी दोस्त को बदजन नहीं करना चाह रहा और ना ही मैं किसी दोस्त को मीन के वो करना चाह रहा हूँ ठीक है, लेकिन बात यह है कि यार आप इस तरह करें, मैंने भी काम किया है ठीक है ना, तो मैंने जो रोमानिया के अंदर चीज़ें देखी हैं जो मुझे जो मैं जज कर सका हूँ, मैंने अपनी सारी वो ऑर्डर जितने भी मैंने दिए हैं वो मैंने डिटेल्स चेक की हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा जेन जाता है कि मैंने को बहुत ज़्यादा वो हराम चीज़ें यहाँ पे रोमानिया के अंदर उन ऑर्डर्स के अंदर नहीं उठाई ठीक है ना। तो सेम यही प्रोसेस भी आपके साथ ही होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको ये एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई आप पाकिस्तान से या आप अपने किसी मुफ्तियाने कराम से ठीक है या किसी असल मुफ्ती से जिसको आप मानते हैं कि ये बंदा दीन जानता है, तो भाई उससे आप ये चीज़ का फैसला करवा के आए आपने ये काम करना है या नहीं करना ठीक है, और करना तो उसका क्या तरीकाकार है ठीक है ना। दोस्तों को उससे मोटिवेशन भी मिली कि यार हम पार्ट टाइम में काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो काम स्टार्ट करेंगे ठीक है, ज़ाहर है वो मेरी वीडियोस की वजह से करेंगे, तो फिर वो उनका सारा जिम्मा जो हलाल हराम वाला जो गुनाह सवाब है वो सारा मेरे पे भी आएगा। मैं इसलिए नहीं चाहता कि ये सारा मामला मेरे ऊपर रहे ठीक है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं अपने ज़रिए से, आप जो आपका नज़रिया है, मैं किसी को गलत नहीं कहता कि भाई आप करें या ना करें ठीक है, तो भाई आप अपने हिसाब से ये चीज़ें कंफर्म कर लें और आप अपने हिसाब से कंफर्म करके तो फिर आइएगा, फिर आप काम करिएगा। ये सर्दी बहुत ज़्यादा रोमानिया के अंदर, अपना सर्दी का भी इंतज़ाम करके आइएगा, और आजकल -2-3 डिग्री चल रहा है ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों टॉपिक पसंद आए होंगे, मैंने कोशिश की कि आपको तीनों टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आएगा इससे पहले अगर कोई मेरे सामने कोई इशू आया कोई बात आई तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो इंशाल्लाह आप जो यहां से मैंने पाकिस्तान जाना वही ट्रैवल व्लॉग मेरा सऊदीया का और पाकिस्तान का इंशाल्लाह वही अपलोड होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।